हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए मैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इंपोर्टेंट न्यूज आ रही है लेबर असिस्टेंट 2018 से जुड़ी मामला की। तो देखते हो भर्ती का मामला है दोस्तों, अभी की न्यूज है जो कि देख सकते हो यहाँ पर जी राजस्थान न्यूज की ऑफिशियल न्यूज आ रही है। तो आपको मैं बता देता हूँ क्या न्यूज है दोस्तों, अभी ट्वीट आया हुआ है तो देख सकते हैं अपन। दोस्तों, ऐसी अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या न्यूज है, तो देख सकते हो जी राजस्थान न्यूज, जयपुर प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 मामला, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक छात्र पर की कार्यवाही, एक छात्र पर लगाया बोर्ड ने 5 साल का प्रतिबंध। तो देखते हो बोर्ड ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है छात्र अजय कुमार मीणा पर, आगामी सभी परीक्षाओं को लेकर लगाया प्रतिबंध। तो जो छात्र है अजय कुमार मीणा, इस पर 5 साल तक का बैन लगा दिया गया है क्योंकि ये एक भी एग्जाम नहीं दे सकता अब आगे का। तो आगे की जानकारी देख सकते हो आगे क्या है दोस्तों, ये आज ही अखबार में भी आया हुआ था, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, अखबार में भी आप न्यूज़ देख सकते हो। राजस्थान चयन बोर्ड ने एक छात्र पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध, तो ये पूरी न्यूज़ भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या थी प्रक्रिया, राजस्थान चयन बोर्ड जयपुर के छात्र अजय कुमार मीणा पर अपनी सभी परीक्षाओं में आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही 3 फरवरी 2019 को आयोजित प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के लिए छात्र अजय की अभ्यर्थता भी निरस्त कर दी गई। दरअसल छात्र अजय पुत्र कालूराम मीणा ग्राम बामनवास जिला सवाई माधोपुर ने प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा अपने स्थान पर शुभम गर्ग जगतपुरा जयपुर को परीक्षा केंद्र पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटा परीक्षा देने के लिए भेजा था। तो देख सकते हो दोस्तों, यदि आपने भी ऐसा करा तो आपको भी 5 साल के लिए परीक्षा देने से हटाया जा सकता है। इस दौरान शुभम शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई तो वह अजय के स्थान पर परीक्षा देने आया हुआ था पाया गया। इस पर परीक्षा केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर बीके योगी ने इसके खिलाफ नयापुरा थाने कोटा में FIR दर्ज करवाई। तो देख सकते हो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो, ट्वीट भी देख सकते हो। और दोस्तों, ये भी यहाँ पर है, आप बहुत सारे दोस्त क्या पूछना चाहते थे कि कारण क्या है, तो कारण मैंने बता दिया है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर। और भी न्यूज़ आप देख सकते हो दोस्तों 2018 से जुड़ी मामले की, देख सकते हो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 मामला, पद बढ़ाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले अभ्यर्थी, प्रयोगशाला सहायक 2016 के 150 पदों को 2018। तो देख सकते हो यहाँ पर 2018 में जोड़ने की है मांग, मंत्री के कार्य प्रोसेस जल्दी निस्तारण का दिया भरोसा। तो देख सकते हो यहाँ पर बड़ी खबर थी दोस्तों, 3 बड़ी खबर आप भी और देख सकते हो यहाँ पर, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। आप रिट्वीट भी पढ़ा करो दोस्तों, कभी भी कुछ पढ़े तो आप ट्विटर में। तो देख सकते हो यहाँ पर बड़ी खबर थी दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त देख सके। धन्यवाद दोस्तों।